चुप चुप एकदम चुप। खोटो पे उंगली रख लो, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। कुछ भी मत सोचना, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग के हाव भाव, तुम्हारी सुइयां जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच रही होंगी अब तक, कि भाई इसमें तो एनबीसी वेनम है ही नहीं, तो उसको मुझसे बचाओगे कैसे? क्लिक बेट मारता रहता है जब देखो। भाई रुको रुको, सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, सब समझ में आ जाएगा। अभी उससे पहले भाई साहब, यहाँ जो माहौल चल रहा है उसमें बने रहो और देखो इस गेम प्ले को, बहुत मज़ेदार है। बिकॉज यहाँ पे तुम देखो, एक स्क्वाड हमसे पहले जा चुकी है, लेकिन भाई साहब यह हत्ते किसी के कुछ नहीं लगने वाला। यार ये हाल तो खैर हर जगह का है, सिर्फ मतलब जॉर्जिया पुल का ही नहीं है, कभी कभी मिलिट्री बेस में भागना पड़ता है ऐसा, लेकिन ज्यादातर ये हाल हमारा होता है। लेकिन आज जो है दुश्मनों का था, और यहाँ पे हमने सारे बंदों को लगभग ठिला दिया था, बचा है सिर्फ सिर्फ लास्ट बंदा जो कि सामने की तरफ है बर्ड का। ये भी निहत्ता ही है, इसे भी गन नहीं मिलने वाली, पर हाँ चकमा दे के बगाने बहुत वाला ये बंदा। बट यार बकरे की ये माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो शॉर्ट करके चपेटे में आएगी। तो यहाँ पे पूरी स्क्वाड को जो हमने भर दिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही स्क्वाड आई थी, तो उसका निपटारा करके जल्दी से लुट्टू वुट्टू करके हम जो ऐसे निकलने के बारे में सोचते हैं। और गई यहाँ पे तुम देख लो, राइट साइड में मेरे को क्लियर फ्लेयर दिख जाती है, मतलब यार एंगल बन जा भाई, एंगल नहीं बन पा रहा वरना मैं तुम्हें दिखा देता। लेकिन उससे पहले भाई साहब ये देख लो, राइट साइड में एक मिनी वाला भी बंदा जो लगातार टैप टैप शॉट लिए जा रहा है बर्ड गाइस। यहाँ पे देखो हमारा मकसद था फ्लेयर पे जाना, वो देखो देखिए ना तो मैं, हाँ ठीक है चलो मैंने पहले बोल दिया था, नहीं 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 ये दूसरी फ्लेयर है। तो गाइस यहाँ पे हम जा रहे थे फ्लेयर की तरफ, लेकिन हमारा जो नंबर 4 है ना भाई साहब, ये जा रहा है भैया अपनी केडी बढ़ाने के लिए, मतलब कि उस मिनी वाले बंदे के पास। अरे नॉक कर दिया उसको, चलो चलो चलो। और भाई सही में यहाँ पे इसे तो भैया पक्का यमराज की भैंसिया दिख गई होगी, बट यार हमने अपनी जान पर खेल कर इसे बचा लिया। और गाइस यहाँ पे जल्दी से रिवाइव देके चले आए डायरेक्ट उस फ्लेयर वाले बंदो पर रश करने के लिए। और गाइस देख लो फ्लेयर यहाँ पे लेफ्ट में गिरी हुई है, तो गाइस बंदे भी यहीं पे होने चाहिए, बट यहाँ बंदे दोनों तरफ है, ऊपर भी और नीचे भी। अब यार जो ऊपर वाली स्क्वाड है वो तो अलग ही है, लेकिन यहाँ पे इनके दो बंदों को मैं फर देता हूँ, तो बचे कुछ इनके दो टीममेट वहां सामने की तरफ थे, जिनके क्या आपने UMP-9 के फायरिंग शॉट्स नहीं लिए होंगे। अब मुझे एग्जैक्ट तो लोकेशन नहीं पता बंदे की, लेकिन हाँ अंदाजन ये बंदा लगभग इसी बैरियर के पीछे लेटा है साइड से, तो मैंने वहां की तरफ एक ग्रेनेड फेंका और क्या ही प्यारा ग्रेनेड भाई साहब, रस तो बिल्कुल जायज है। और गाइस इसी के साथ हमने स्क्वाड को बड़े ही आराम से जो है भर दिया है। लेकिन जो ऊपर वाले बंदे थे ना भाई साहब, वो एक अलग ही स्क्वाड है, और जो कि हम पे रश करने वाली थी थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे देखो मैं अपने बंदों को एकत्रित करता हूँ कि इससे पहले कि वो बंदे हम पे रश करें, चलो हम उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं, हम ही चल पड़ते हैं उनके पास। लेकिन भाई साहब यहाँ पे हम अपने टीममेट का वेट करते ही रह जाते हैं, और सामने की तरफ से चले आ रहे हैं वो बंदे।
अब फिलहाल यहाँ पे इन दोनों बंदों को तो भर दिया, लेकिन मुझे हल्की हल्की आहटसी लगी कि सामने की तरफ कोई बंदा जंप कर रहा है। हाँ यार, जहाँ ये बंदे मगन हो गए बट को मारने में, भाई साहब वो अच्छा। देखो सामने बंदा मुझे स्पॉट हो चुका था और मैं अपने रैंडम टीममेट को मना कर देता हूँ कि भाई प्लीज उस बंदे को मत मारना, वो मेरे से मीटअप करना चाहता है, आजकल तो बहुत कम ही लोग आते हैं, तो भाई ये मौका मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता, तो मैंने यहाँ पे उससे मीटअप करा। तो भाई थोड़ी सी वार्तालाप करने के बाद यहाँ मैं उससे बोलता हूँ, भाई एक काम करो तुम जो यहाँ से निकल जाओ, वरना ये जो है बहुत ही भूखे मेरे टीममेट है और मैं इन्हें संभाल नहीं पाऊंगा, बिकॉज मुझे नहीं पता ये बंदे कब तक मेरी बात मानेंगे। फिलहाल जैसे कहीं से मैंने उसे भगा दिया यहाँ से, लेकिन भाई साहब जैसे ही मैं से निकलता हूँ थोड़ी दूरी पे आता हूँ, भाई ये हराम कोरो ने उसे मार दिया। भाई सही में यार, हमारे रॉकी भैया यार, दिल से सॉरी भाई यार। अरे चार नंबर क्या भाई हो रहा है, ये जो रैंडम टीममेट है भाई, इन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल था। फिलहाल जो भी तक यहाँ पे अब भाई मर गए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ जो भी तक यहाँ से अभी चलते हैं हम जोन में और बंदों की तलाश करने के लिए। और गई जैसे मैं सरवाता हूँ, ये सामने वाले ड्रॉप पे मुझे कुछ गाड़ियाँ तो दिख रही थी, लेकिन यार यहाँ पे इनके तीन बंदों को तो जो फर दिया गया है, मतलब परलोक सुधार दिया है, लेकिन यहाँ पे इनका जो लास्ट टीममेट है वो हमें नहीं मिलता है। मतलब काफी देर वेट करते हैं इधर उधर, जो छान मारते हैं जगह, लेकिन वो बंदा हमको बिल्कुल भी स्पॉट नहीं हुआ। तो फटाक से हीलिंग विलिंग करके अपना उड़न खटोला उठा के हम चल पड़ते हैं वापस से और बंदों की तलाश में, और चले आते हैं अपार्टमेंट की तरफ। अरे कोई नहीं है क्या? जितनी तेजी में नंबर टू जा रहा था, मुझे पूरा भरोसा था कि यहाँ पे ये किल मेरे से बिल्कुल नहीं आने वाला, बट कोई नहीं गाइस, यहाँ पे एक किल से करी हमने संतुष्टि, उसके बाद अपनी गाड़ी उठाई और चल पड़े वापस से और बंदों की तलाश करने के लिए। और जैसे हम यहाँ पे भटक रहे होते भाई साहब, यह है मुझे इंस्ट्रक्शन से भैया एक ओम का शॉट, तो मैं चल पड़ता हूँ उसी तरफ। परंतु गाइस जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा ना भाई साहब, ओम वाले का तो कोई अता पता नहीं, बट भाई मुझे वापस से पीछे की तरफ से एक मैप में फायरिंग शॉट आ चुका है, तो मैं ओपन से जो अपनी गाड़ी तुरंत ही उसे भगा लेता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता था मेरी यहाँ पे खतरनाक ओपन में मौत हो जाए। तो गाइस मैंने अपनी गाड़ी उठाई और चल पड़ा उस पीछे वाले बंदे की तरफ जो कि शायद इस घर में ही है। अब यार ये बंदा तो जो है अकेला ही था, लेकिन भाई साहब जो AWM वाला बंदा था ना भाई साहब, उससे भी जोन में जाना था, तो देखो तुम जोन की तरफ ही दौड़ लगाना शुरू कर देता है। लेकिन भाई साहब इससे पहले कि वो जोन में पहुंच जाए, मैंने निकाली गाड़ी को, चल पड़ा उस बंदी पर रश करने के लिए। और गाइस भाई सही बताओ तो एकदम से बंदा बिल्कुल इनविजिबल टाइप का हो गया, मुझे दिखाई नहीं, बट फाइनली दिख गया और मैंने उसे भर दिया। और गाइस अब जोन में रह गया है सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, लेकिन मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ, भाई देखो ऐसा है, तुम्हारे पास है AWM, मेरे पास है पेन, तो एक काम करते हैं, चलो तुम AWM से बंदा मारना, मैं पेन से। और गाइस ये बंदे जो मंजूरी कर लेते हैं, और उसके बाद गाइस जैसे इस तरफ आता हूँ भाई साहब, और यहाँ पे मैंने कर ली चीटिंग और उस बंदे को जो M4C भर दिया, वन डायमंड गाइस फाइनली हो चुका है अपना फिनर फिनर चिकन डिनर। चलो गेम खत्म हो चुका है और अब बारी है भैया वो क्लचेस देखने की। भाई
family. I got broads in Atlanta. She said they'll lean the family. Credit cards in the scammer. रुको जरा।